देखिए गांव का चौधरी हुआ करता था पहले, अब गांव का एमएनए और एमपीए होता है। क्योंकि प्रिंट का पूरा गांव का एमएनए एमपीए है, वो मेरे कंट्रोल में है। भाई हु आर यू? ये कौन सा कॉन्सेप्ट है दुनिया का कि लेजिस्लेटर को डेवलपमेंट फंड्स मिल रहे हैं? कमाल ही नहीं है, कमाल ही है। डेवलपमेंट इज नॉट द बिजनेस ऑफ द लेजिस्लेशन। लेजिस्लेचर का तो काम नहीं, इनका काम सिर्फ लेजिस्लेशन है। लेजिस्लेट करें मगर कैसे करेंगे? पढ़ना आता नहीं है। मैंने कितने एमएनएस की, अब क्या नाम नहीं लूंगा, मगर पिछले 13 साल से मैं पाकिस्तान में हूं, बखुदा 7 साल तो मैंने सेनेटर्स की और एमएनएस की तकारीर बजट के ऊपर लिख के ली। अली भाई, पाकिस्तान चूंकि एक डेमोक्रेटिक कंट्री है 1947 से लेकर आज तक, सो वी हैव यू नो स्टडीड द कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में एक डेमोक्रेटिक मॉडल देखा हमने, एक जनरल इसका तस्वुर देखा। क्या पाकिस्तान में भी 1947 से लेकर आज तक कभी हकीकी मानों में, नॉट द पेपर डेमोक्रेसी बट द रियल यू नो कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी, ये कभी पाकिस्तान में नाफिज हुआ है? दुनिया के बहुत कम ममालिक हैं जहाँ पे हकीकी जमहूरियत रही है, और खुसूसन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में तो ये एक नायाब सी चीज़ है, ये एक आइडियोलॉजिकल चीज़ है, और उस आइडियोलॉजिकल स्फीयर में हम सब में पीछे रहे हैं, इस नॉट जस्ट जमहूरियत, मुझे जमहूरियत नहीं चाहिए, मुझे सही वाली जमहूरियत चाहिए। अच्छा, मुझे ये वाली जमहूरियत नहीं चाहिए, पेपर डेमोक्रेसी, पेपर जो मैं खोखले नारों की आता, जो मैं देखे जा रहा हूँ बचपन से, हर 4-5 साल में मैंने सिर्फ ये सुना हालात बहुत नाजुक है, हालात बहुत खराब है। मतलब बचपन में तो हमारे समझ नहीं आता था कि हालात खराब है, क्या मतलब हालात खराब है। वाकई हमने देखा हालात खराब हो गए, होता है ना कि व्हाट यू विश फॉर यू गेट। यस, हालात खराब है कह 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 के हमने, मेरी जनरेशन तो आपसे 18-20 साल आगे की जनरेशन है, हम तो ये सुन के पले बड़े हैं। मुझे ये वाली जमहूरियत नहीं चाहिए, मुझे जो जमहूरियत चाहिए, और मुझे का मतलब आई एम नॉट टॉकिंग एज एन इंडिविजुअल, कलेक्टिवली एज अ सोसाइटी, अच्छा है बुरा है, लेट हिम फिनिश हिज टर्म। यस, लेट हिम फिनिश हिज टर्म, लेट मी द वोटर, द ओनर ऑफ पाकिस्तान, डिसाइड कि मैंने गलती की है, अगली दफा नहीं दूंगा इसको वोट। अपने वोटर्स में इतना इतना यकीन रखें। देखिए, वोटर को पीएचडी इन न्यूक्लियर फिजिक्स होने की जरूरत नहीं है। एक वोटर अपना महल्ला देखकर, अपने महल्ले की जो रोड ऑफिस तक जाती है वो देखकर, अपने बच्चे के स्कूल का मैयार देखकर, अपने माँ बाप को अस्पताल लेकर जाते वक्त देखता है कितनी जल्दी उसको इनका इलाज होता है, ये 7-8-10 चीजें होती हैं। अदालत का मैयार देख के, इंसाफ का मैयार देख के, वोटर को पढ़, और इन चीजों को देखने के लिए You don't need to be an Oxford graduate. No, not at all. You can be a simple dehati. Yes. Simple dehati. In order to ascertain कि ठीक कौन है, गलत कौन है। ठीक कौन है, गलत कौन है? ये तो हमारे शऊर में, हमारा मजहब हमें सिखाता है ना। अगर आप नमाज पढ़ते हैं तो आपके अंदर अच्छे और बुरे की तमीज वैसे ही आ गई। अगर आपने कभी कुरान शरीफ पढ़ा है तो अच्छे और बुरे की तमीज वैसे ही आ गई आपको। कभी आपने मेरे आका की कोई बातें सुनी है, आदी सुनी है, तो वैसे ही आ गई। हम दुनियावी तालीम के मैार को ये क्यों समझते हैं कि एक क्राइटेरिया है वोट देने के लिए? नहीं है। ये तो जो गलतियां सियासतदान करते हैं ना, लेट मी जज दैट एज अ वोटर कलेक्टिवली। एक दफा गलत होगा, दो दफा गलत होगा, तीन दफा गलत होगा। अब क्या होता है, किसी को पूरा टर्म नहीं देने के उसको बहाना दे देते हैं आप, मैं चौथी बार आऊंगा। भाई इसलिए कि उसके पास एक बहाना है, मुझे बीच में से निकाल दिया गया था, मुझे निकालने देना उसको। जो जजिंग द परफॉर्मेंस ऑफ एनी पोलिटिकल पार्टी इज द ओनली राइट ऑफ द वोटर मुझे बीच में से निकाला गया था। ये एक बहाना बन गया है। होता क्या है, आपकी सारी कारकर्दगी खराब वाली वो छुप जाती है, उसके ऊपर मिट्टी आ जाती है। सो आपका कहना यह है कि इन बेसिक हालात की वजह से पाकिस्तान में जो हकीकी जमहूरियत का ना होना पाकिस्तान के लिए नुकसान दे रहा है। देखिए, मैं तो सब में पहले ये कहता हूं कि वेस्टमिंस्टर पार्लियामेंट्री सिस्टम पाकिस्तान में चल ही नहीं सकता। ओके, हमारे पास कभी प्रेसिडेंशियल सिस्टम नहीं रहा है। Yes. हमने अयूब खान की बेसिक डेमोक्रेसी
रिसीप्स को प्रेसिडेंशियल सिस्टम कह दिया, फिर मुशर्रफ की गवर्नमेंट तो मैं खुद था, मैंने इतना बड़ा 350 पेजेस का पूरी थीसिस पेपर लिख के मुशर्रफ को दिया था जब मैं उनके साथ एडवाइजरी में था नेशनल रिकंस्ट्रक्शन ब्यूरो में कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम होना चाहिए, डायरेक्ट इलेक्शन, ये इलेक्टेबल्स के हाथों हम फंस गए हैं पाकिस्तान में। पुलिस चीफ शुड ऑल्सो बी इलेक्टेड, अ जज शुड ऑल्सो बी इलेक्टेड, a senator should, highest legislative office of Pakistan is being elected by 18, 19 people who could be bribed, 18 MPAs, 20 MPAs, 5 MPAs, a head of the province should be directly elected. Turkey ne bhi ab tak Westminster parliamentary system khatam karke, main American presidential system ki baat nahi kar raha. Dekhiye, aap ground realities ko dekhe Pakistan ki, उसमें मॉडिफिकेशन करें। सो यू थिंक दीज इलेक्टेबल्स आर समहाउ और द अदर यू नो बिकमिंग ए ब्लैकमेलर्स टू जेपर्डाइज समहाउ, दे आर टोटली ब्लैकमेलर्स, आई डोंट मींस वर्ड्स, दे आर टोटली ब्लैकमेलर्स, आई थिंक, आई डोंट नो इफ दे आर ब्लैकमेलर्स बट आई थिंक दे ओनली कम इनटू पॉलिटिक्स फॉर देयर ओन बेनिफिट, व्हिच इज, आई एम टोटली कन्विंस्ड, व्हिच इज बेसिकली अ ब्लैकमेलिंग, कि आप जेपर्डाइज कर रहे हैं एक पार्टी पॉलिसी को for your own personal benefits. Absolutely. देखिए गांव का चौधरी हुआ करता था पहले, अब गांव का एमएनए और एमपीए होता है, कि जी प्रिंट का पूरा गांव का एमएनए एमपीए है वो मेरे कंट्रोल में है, भाई हु आर यू, ये कौन सा कॉन्सेप्ट है दुनिया का कि लेजिस्लेटर को डेवलपमेंट फंड्स मिल रहे हैं, कमाल काम ही नहीं है, कमाल ही है, डेवलपमेंट इज नॉट द बिजनेस ऑफ द लेजिस्लेशन, लेजिस्लेचर का तो काम नहीं, इनका काम सिर्फ लेजिस्लेशन है, लेजिस्लेट करें मगर कैसे करेंगे, पढ़ना आता नहीं है, मैंने कितने एमएनएस की, अब क्या नाम नहीं लूंगा, मगर पिछले 13 साल से मैं पाकिस्तान में हूं, बखुदा 7 साल तो मैंने सेनेटर्स की और एमएनएस की तकारीर बजट के ऊपर लिख के लिए, दे डोंट नो इवन द बेसिक ऑफ इट, बेसिक, अच्छा और मैं उनको जाहिर कुछ सिखा तो नहीं सकता ना एक घंटे के अंदर, तो बेसिक पॉइंट है, दिल ही नहीं है उनका, क्योंकि दे आर नॉट लेजिस्लेटिव मटीरियल। तो मैं आपकी जगह केस लड़ने चला जाऊं, जज मुझे गोली मार दे, काम नहीं है, मैं समझ रहा कि नहीं, फ्रस्ट्रेशन में आके, वो जज हम वोटर्स हैं, हम गुस्से में हैं इस वक्त, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट हो जहां अगर 50 करोड़ रुपए मेरे वार्ड के लिए या यूनियन के लिए आए हैं तो कोई आके, अगर मीर मोहम्मद अली खान काउंसलर है तो मेरे दरवाजे पे खटखटा के कैसे कि मीर साहब रोड के 15 करोड़ रुपए थे किधर गए, किधर गए, जवाब दे, ये मैं काम जाके, मैं तो सिंध सेक्रेटरीट या पंजाब सेक्रेटरीट में घुस नहीं सकता, मैं अपने लोकल डेवलपमेंट वजीर से ये सवाल करूंगा, 18 गाड़ियां उसके आगे, 25 गार्ड्स उसके साथ, हम सिंप्लिसिटी की तरफ आ जाए, और यकीन कीजिए, और कोई ये कहता है कि करप्शन खत्म हो जाए, करप्शन कोई नहीं खत्म होती, ताकि आमदनी खत्म हो सकती, कम हो सकती है, कम हो सकती है।